So hello and a very good evening to all the students, those who are joining over here right now for today's masterclass related to the project building. So I hope, am I properly audible to all of you? So, all right, some people have started joining the session as I can see over here. So yes, a very good evening. Yes, a very good evening to all of you, those who are joining over here right now. And today's class is basically dedicated for our project building, that is the live master class for the movie recommendation system project. So as I can see here, some people have already started joining here. All right. Yeah, good evening. Okay, so please just let me know in the comment part, aapko yahan pe niche mein ek live chat box ka option mil jayega. Yahan pe jaake aap log mujhe bata sakte hain. मेरी वॉइस आप लोगों तक प्रॉपरली ऑडिबल है या नहीं है प्लीज जस्ट लेट मी नो डायरेक्टली इन द लाइव कमेंट पार्ट एज आई कैन सी सम पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रिस्पोंडिंग ऑलराइट ओके सो वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी आई थिंक माय वॉइस इज प्रॉपरली ऑडिबल फॉर एवरीवन ये सभी को आई थिंक प्रॉपरली ऑडिबल है सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग So, बहुत बार ऐसा होता है लाइक मेनी टाइम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं कुछ लोग फ्रेशर्स होंगे जो अभी जस्ट प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर रहे होंगे या फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि अभी वर्किंग प्रोफेशनल होंगे हो सकता है चाहे नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो या फिर हो सकता है कि आईटी बैकग्राउंड से हो और जॉब स्विच करने के रिगार्डिंग अपना स्कोप देख रहे हो डेटा एनालिटिक्स की तरफ तो जो लोग फ्रेशर्स हैं या फिर जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और जॉब अपना स्विच करना चाहते हैं डेटा एनालिटिक्स की ओर तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लाइक पार्ट होता है उनके पूरे के पूरे रिज्यूमे में दैट इज द प्रोजेक्ट पार्ट प्रोजेक्ट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर क्योंकि जितने भी बार एचआर कम्युनिटी से वी आर हैविंग द डिस्कशन पीपल लाइक एचआर टोल्ड अस दैट कि प्रोजेक्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि आपको जस्ट जॉब प्रोफाइल के लिए आप लाइक इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उस प्रोफाइल के लिए बहुत सारे एप्लीकेंट्स ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए उन्होंने भी अप्लाई किया राइट सो व्हाट इज द गुड चांस कि आपका सिलेक्शन उस पे हो पाए तो उस केस में प्रोजेक्ट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि लेट्स से अगर मुझे ये जानना है कि आपके पास एसक्यूएल या फिर पाइथन और उसके लाइब्रेरी से रिलेटेड कितने स्किल्स आपके पास है या फिर पावर बीआई की हम लोग बात करें या फिर हम लोग बात करें टैबलो की या फिर एक्सेल की ये सारे स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है डेटा एनालिस्ट बनने के लिए तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या कुछ स्किल्स आपके पास है और किस क्वालिटी का आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है सो दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग द बैक टू बैक क्लासेस दैट इज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट बिल्डिंग और आज की लाइव मास्टर क्लास इज ऑलरेडी लाइक वी हैव स्टार्टेड हियर एंड एज पीपल हैव स्टार्टेड जॉइनिंग द सेशन टू So please just let me know in the comment part if the voice is properly audible to all of you or not. तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं आज की क्लास का जो मेन हमारा प्रोजेक्ट है दैट इज द प्रोजेक्ट मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम अब क्या होता है ये मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम इसको पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि लेट सपोज आज की डेट में अगर हमें कोई भी मूवी देखनी है तो हम केवल और केवल थिएटर्स के पे ही डिपेंड नहीं होते देयर आर सो मेनी ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टुडे नेटफ्लिक्स है राइट एमेजॉन प्राइम है हॉटस्टार है सोनी लिव है और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे एक्सेट्रा बहुत सारे यहाँ पे ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में अवेलेबल हैं, जहां पे हम मूवीज वेब सीरीज डिफरेंट डिफरेंट चीजें देख सकते हैं अब जब हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मूवीज की वेब सीरीज की तो हमें ये भी पता है कि उन सबका एक जॉनर होता है राइट लेट सपोज किसी को यहाँ पे हॉरर मूवी देखना पसंद होगा किसी को यहाँ पे एक्शन मूवीज देखना पसंद होगा किसी को हो सकता है कॉमेडी मूवीज देखना पसंद हो तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा अगर हम लोग नेटफ्लिक्स हॉटस्टार या फिर अगर मैं यूट्यूब की ही बात करूं तो अगर हम लोग वहां पे सर्च में एक चीज सर्च करते हैं लेट सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई कॉमेडी मूवी सर्च की तो अगला पांच मुझे मूवी का रिकमेंडेशन जो सर्च सजेस्ट करने लगता है वो कॉमेडी जॉनर का सजेस्ट करने लगता है राइट या फिर अगर मैं यूट्यूब पे जाके एक बार अगर मैं सर्च कर लूं हाउ टू मेक अ लेट्स से हाउ टू मेक अ केक राइट तो मुझे जितने भी रेसिपीज वहां पे और रिकमेंडेशन में दिखाने लगेगा दैट विल बी रिलेटेड टू द केक
बिकॉज वो जो सिस्टम है उसको पता है कि यूजर का इंटरेस्ट क्या है और उसी के अकॉर्डिंग हमें रिकमेंडेशन जो है वो वहां पे प्रोवाइड करना शुरू हो जाता है। ठीक, अगर हम लोग रिकमेंडेशन की बात करें तो रिकमेंडेशन केवल मूवीज तक ही लिस्टेड नहीं है, रिकमेंडेशन केवल यूट्यूब या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम हॉटस्टार सोनीलिव तक ही लिमिट नहीं है। अगर हम लोग लेट सपोज मान लीजिए अगर हम लोग किसी ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अमेज़न मिंत्रा किसी भी साइट की, तो अगर लेट सपोज मान लीजिए ये जो शर्ट है मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ यहाँ पे कि शर्ट मुझे पसंद आ रहा है कुछ इस तरीके से मैं इसे बाय करना चाहती हूँ, तो इससे मिलता जुलता मुझे मेरा रिकमेंडर सिस्टम यहाँ पे रिकमेंड करने लगता है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि लेट से अगर मैं एक टी शर्ट जो मैं खरीदना चाहती हूँ वो लेट सपोज मैंने अमेजोन पे सर्च किया, देन सेम टी शर्ट का मुझे जो एडवर्टीजमेंट है वो मैं अगर इंस्टाग्राम खोलूं उसमें भी दिखने लगता है, फेसबुक खोलूं उसमें भी दिखने लगता है। तो इस तरीके से रिकमेंडेशन सिस्टम जो है वो काम करता है और ये टारगेटेड मार्केट साइज में उनको कस्टमर को डील करने के लिए यूज होता है। तो ये काम होता है एक रिकमेंडेशन सिस्टम का। सो मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम और अ मूवी रिकमेंडर सिस्टम इज द ML बेस्ड अप्रोच टू फिल्टरिंग और प्रिडिक्टिंग द यूजर्स प्रेफरेंस based on their past choices and behavior. तो ये जो recommender system है इसमें used होता है हमारा machine learning का algorithm जो कि हमें helpful होता है predict करने के लिए। जैसे let's say आपने Amazon में 3 महीने पहले कुछ shopping की थी और बार बार आप वही product को search कर रहे हैं, तो आपका एक जो interest है वो जो बार बार आपने जैसे मान लीजिए आपने t-shirt जो है वो बार बार आपने search किया है, तो इसका आपका एक past behavior, आपके क्या क्या past choices हैं उसका एक रिकॉर्ड बनने लगता है, वो डेटा वहां पे कलेक्ट होने लगता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका रिकमेंडेशन सिस्टम जो है वो काम करने लगता है, दैट इज द मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो किस तरीके से हमारा मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम का प्रोजेक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। सो लेट मी शो यू दिस। सो दिस प्रोजेक्ट शुड लुक लाइक दिस एंड लेट मी जस्ट सेलेक्ट हियर द वाइड मोड एज वेल एज वी हियर वी कैन सेलेक्ट द डार्क ऑप्शन ऑल्सो, राइट। तो ये जो है ये हमारा कुछ इस तरीके से मूवी रिकमेंडर सिस्टम का हमारा पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैंने पाइथन पढ़ लिया, मैंने SQL पढ़ लिया, मैंने Excel पढ़ लिया, मैंने लाइक खुद से पावर बी आई टैब्लू ये सब मैंने खुद से थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, मैंने कुछ प्रोजेक्ट भी बना लिए हैं GitHub में, कुछ फ्री सोर्सेस होते हैं उस पे और यूट्यूब पे कुछ वीडियोज देख के, लेकिन फिर भी मुझे कंपनी से कॉल नहीं आता अपने आगे इंटरव्यू के लिए। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि आपके प्रोजेक्ट्स आपने किस क्वालिटी के किए हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये जो मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम का प्रोजेक्ट है दैट इज द एंड टू एंड प्रोजेक्ट। अब एंड टू एंड प्रोजेक्ट क्या होता है? एंड टू एंड प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि एक प्रोजेक्ट को करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले डेटा को गैदर करना, डेटा को कलेक्ट करना। तो डेटा कलेक्टिंग हमने किया, डेटा का प्री प्रोसेसिंग किया, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा के मॉडल बिल्ड किया और उसके बाद प्रोजेक्ट को डिप्लॉय भी किया। तो अभी हम यहाँ पे ये जो फाइनल आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा मूवी रिकमेंडेशन का प्रोजेक्ट। ये एक तौर पर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल होस्ट का यहाँ पे आपको लिंक देखने के लिए मिल रहा है, लोकल होस्ट का यहाँ पे आईडी देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लोकल होस्ट का आईडी बनाना इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी का यूज करके डिप्लॉय किया है। स्ट्रीमलेट एक ऐसी लाइब्रेरी जो कि आपको एक वन पेज वेब ऐप वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ पे हेल्प होता है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये ठीक एक वेबसाइट या वेब ऐप का इंटरफेस हम यहाँ पे देख पा रहे हैं और ये यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कम्प्लीटली हमने डिप्लॉय किया है। और यही चीजें आज की डेट पे रिक्रूटर जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट जो है वो डिप्लॉय करना भी आना चाहिए, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AWS क्लाउड, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट हमने डिप्लॉय किया है बाय यूजिंग द स्ट्रीमलेट वेबसाइट जो कि पाइथन का ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। अब यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट हम लोग देख रहे हैं मूवी रिकमेंडर सिस्टम का प्रोजेक्ट, अब ये जो प्रोजेक्ट है इसका अगर लेट से हम लोग बात करें कि इसका डेटा क्या कुछ था हमारे पास में, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ इसका डेटा फ्रेम। तो ये जो इसका डेटाबेस है हमारे पास, जो CSV फाइल हमारे पास अवेलेबल है, उसमें हमारे पास नियर अबाउट 4800 कुछ समथिंग मूवीज का हमारे पास यहाँ पे डेटा जो है वो अवेलेबल है। अब इन 4800 मूवीज में से मुझे ये बताना है कि लेट सपोज आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी, स्पाइडरमैन से मिलती जुलती मूवी कौन सी है, तो उन 5000 मूवीज में से मुझे आपके जॉनर की मिलती जुलती मूवी आपको रिकमेंड करना है।
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक आपको लाइन लिखा हुआ है एंटर द मूवी नेम और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे मूवीज का नाम यहाँ पे डला हुआ है, लेट्स से अवतार, द डार्क नाइट राइजेस, स्पाइडरमैन 3, एवेंजर्स, सुपरमैन रिटर्न्स। तो ये नियर अबाउट आपका समथिंग 4,800 मूवीज का डेटा है। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे जाऊं और इंटरस्टेलर मूवी जो है ये मैंने सेलेक्ट किया और मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंटरस्टेलर से रिलेटेड पांच ऐसे कौन से मूवीज हैं, तो यहाँ पे हम एक रिकमेंड बटन पे जाके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और रिकमेंड बटन पे जैसे ही हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो इससे मिलती जुलती जो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं मूवीज, इसको वाइड मोड में सेलेक्ट कर देते हैं, तो इससे मिलती जुलती जो मूवीज हम लोग देख पा रहे हैं जैसे गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी, साइलेंट रनिंग, स्पेस काउबॉयज, द मार्शियन एंड अपोलो 13, तो इसके जॉनर से मिलते जुलते मूवीज यहाँ पे मुझे रिकमेंड करना शुरू कर दिया। ठीक इसी तरीके से अगर हम स्पाइडरमैन 3 की बात करें और इसको हम रिकमेंड करना करके देखना चाहें कि स्पाइडरमैन 3 से मिलते जुलते कौन से मूवीज हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है ये पूरा का पूरा उस मूवी का पोस्टर भी फेच कर ले रही है। और यहाँ पे मुझे जैसे देखिए स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, इस तरीके से सारे के सारे जो मूवीज है मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है और वैसे ही रिकमेंडर सिस्टम काम कर रहा है। अगर एक आध मूवीज हम लोग यहाँ पे और देखें, लेट्स से आयरन मैन 3, राइट, और इसका हम लोग अगर रिकमेंडेशन जानना चाहें कि कौन से मूवीज हैं, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मैं 5,000 मूवीज नियर अबाउट 4,800 मूवीज में से वो 5 मूवीज निकाल के आपको इजिली बता पा रहा है ये वेबसाइट कि आयरन मैन 3 से मिलते जुलते मूवीज कौन से हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं आयरन मैन से रिलेटेड है आयरन मैन, आयरन मैन 2, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, कैप्टन अमेरिका, एक्समैन, राइट। तो अब देखिए वो 5,000 मूवीज में से डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स की मूवी हो सकती थी, राइट, जैसे ये मूवी आपकी रिलेटेड है लेट्स से साइंस फिक्शन, तो उस जॉनर की मूवी ही आपको यहाँ पे निकाल के दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा कंप्लीट एक वेब ऐप या वेबसाइट हम यू कह लें, जिसे हमने यहाँ पे पूरा का पूरा बनाया है बाय यूजिंग द मशीन लर्निंग मॉडल। तो ये है हमारा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी जो डिप्लॉयमेंट है हमारा लोकल होस्ट में, इसे हम अगर हम लोग क्लाउड में अगर डिप्लॉय करते हैं तो वो आपका ये जो लिंक है, ये जो वेबसाइट आपने क्रिएट की है, ये बन जाएगी आपकी शेयरेबल वेबसाइट। दैट मीन्स ये वेबसाइट आप किसी को भी भेजे तो वो भी इस वेबसाइट का यूज कर सकता है और आसानी से देख सकता है कि लाइक मैंने एक मूवी देखी, लेट्स सपोज मान लीजिए मैंने अवतार देखी, तो अवतार से मिलते जुलते और मुझे कौन से मूवीज देखना चाहिए, इस तरीके से काम करता है हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम, जिसका रियल टाइम में हम लोग आज की डेट में एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में लाइक अमेज़न प्राइम, राइट, इन सारी चीजों में ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट टूडेज प्रोजेक्ट, की कुछ इस तरीके से आपके प्रोजेक्ट हमारा दिखने वाला है। सो प्रोजेक्ट का ब्रीफ कैसा होगा, क्या कुछ दिखेगा, ये मैंने आपको बता दिया। और हम लोग शुरू करते हैं अब की ये प्रोजेक्ट में यहां तक हम कैसे पहुंचेंगे कि ये जो रफ डेटा मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है 4,000 मूवीज का, उस रफ डेटा में से मैं यहाँ पे पहुंच पाऊं और इस तरीके से मैं यहाँ पे मूवीज को यहाँ पे इजिली फिगर आउट कर पाऊं। सो वी हैव सीन दिस, नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट और ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं ये ट्राई करने का कि रिकमेंडेशन सिस्टम कितने टाइप के यहाँ पे होते हैं। सो हियर वी कैन सी कि रिकमेंडेशन सिस्टम दो तरीके से होते हैं, एक आपका खैर रिकमेंडेशन सिस्टम टोटल 3 टाइप के होते हैं, मेजरली यहाँ पे 2 दिखाया गया है, एक कॉन्टेंट बेस्ड कोलाबोरेटिव और तीसरा जो होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड में दोनों ही रिकमेंडेशन सिस्टम काम करने लगते हैं, कोलाबोरेटिव भी और साथ में कॉन्टेंट बेस्ड भी। तो हम लोग पहले बात करने वाले हैं कॉन्टेंट बेस्ड की। कॉन्टेंट बेस्ड क्या होता है, लेट सपोज मान लीजिए एक मूवी आपने देखी, उसका जो कॉन्टेंट आपको पसंद आया, लेट सपोज वो मूवी का जो जॉनर था वो था कॉमेडी, राइट, तो कॉमेडी से रिलेटेड जो भी कंटेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा। तो ये होता है हमारा कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। जैसा कि हम देखते हैं अगर एक्शन मूवीज हैं तो एक्शन रिकमेंड करने लगता है, राइट, तो ये कहलाता है आपका कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, जहां पे आपने जिस तरीके का कॉन्टेंट आपने देखा है, आपके पास जो प्रीवियस बिहेवियर्स है कि आपने पिछली भी क्या कॉमेडी मूवीज ही देखी है, उस तरीके से आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन दिखाने लगेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कोलाबोरेटिव फिल्टरिंग क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे एक यूजर है ए नाम का और एक का नाम है बी। ए और बी दोनों ने यहाँ पे मान लीजिए एक मूवी देखी, ये मूवी ए को भी पसंद आई और ये मूवी बी को भी पसंद आई।
अब इसके बाद ए ने एक और यहाँ पे कोई दूसरी मूवी देखी, राइट। अब ये जो मूवी थी, क्योंकि ए और बी ने कुछ मूवीज ऐसी देखी थी जो दोनों को पसंद आई, अब ए यहाँ पे कोई भी नई मूवी देख रहा है तो ये वाला रिकमेंडेशन बी को भी दिखाने लगेगा, क्योंकि उन दोनों के पहले जो कुछ चॉइसेस थे वो सिमिलर थे, और उसके बेसिस पे यहाँ पे यूजर टू यूजर मूवीज जो यहाँ पे दिखाने लगेगा। इसे कहते हैं कोलाबोरेटिव फिल्टरिंग। और इन दोनों को ही अगर हम लोग मिला दें तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिड फिल्टरिंग का, जो आज की डेट में काफी यूज होता है, कि जिसमें कंटेंट भी होगा साथ में कोलाबोरेटिव फिल्टरिंग भी होगा। लेट्स से आप सपोज कीजिए कि जैसा होता था पहले स्कूल डेज पे, कि हम लोग में से कोई स्कूल पे कोई एक मूवी देख के आता था और वो हर किसी को बताता था, अपनी फीडबैक देता था, हाउ वॉज दैट मूवी, राइट। ठीक इसी तरीके से यही बातें पहले जो ह्यूमंस डिस्कस करते थे उसी को मैंने एक मशीन को सिखा दिया, मशीन लर्निंग मैंने डेवलप कर दिया और मशीन लर्निंग का मॉडल बना के उसको ट्रेन कर दिया, ताकि अब मशीन भी मुझे अपने मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें मुझे सजेस्ट कर पाए, रिकमेंड कर पाए। यही होता है मशीन लर्निंग का एक मोटा माटा ऊपर का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट, अगर हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करें वो। तो दो तरीके के रिकमेंडेशन सिस्टम होते हैं, कोलैबोरेटिव कंटेंट बेस्ड, और तीसरा तरीका होता है हाइब्रिड, जिसमें दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। तो आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं दैट इज द कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। कंटेंट बेस्ड के अकॉर्डिंग कि आपने जिस कंटेंट का जो जॉनर है, बहुत सारे लोग देखिए जब मूवीज देखने के लिए जाते हैं, कुछ लोग इसलिए मूवी देखने चले जाते हैं, लेट्स से सलमान खान की मूवी आई है, भाई जान की मूवी आई है, चलो देखने चलते हैं, राइट। कुछ लोग उस तरीके से मूवीज देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग जॉनर्स के अकॉर्डिंग मूवी देखना पसंद करते हैं कि मैंने लास्ट एक्शन देखी थी अब मुझे इस बार भी एक्शन देखना है, उस तरीके से कुछ लोग मूवी देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पूरे कंटेंट की, कि अगर आपका कोई वहां पे बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस की मूवी देखने जाते हैं कुछ लोग बेसिकली डायरेक्टर्स के ओपिनियन पे मूवी देखने जाते हैं, लेट्स से राजकुमार हिरानी ने थ्री इडियट्स अच्छी बनाई थी, तो हो सकता है राजकुमार हिरानी के मुन्ना भाई एमबीबीएस भी अच्छी हो, राइट। इस तरीके से भी लोगों के प्रेडिक्शंस होते हैं, तो ये सारा चीज आएगा हमारा कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग के अंदर, और आज की क्लास में इसी प्रोजेक्ट पे बातचीत करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कमिंग टू द पॉइंट दैट, कि अब जब भी हम लोग कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, अगर आपको जॉब भी मिल जाता है, आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको ही वहां पे सारा काम करना होता है। एक आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट का कुछ लाइफ साइकिल होता है, उस प्रोजेक्ट के कुछ स्टेप्स होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो काम असाइन किया गया होता है हमें वो काम करना होता है। तो एक बड़े से प्रोजेक्ट के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है गैदरिंग द डेटा, कि आपने ये जो मूवी के लिए आप एनालिसिस कर रहे हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे हैं, आप बेसिकली मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए डेटा। तो यहाँ पे हमने जो डेटा लिया है ये आपको इजिली कैगल पर मिल जाएगा। आज का ये जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है इससे रिलेटेड अगर आपको कोड चाहिए, डेटा फ्रेम चाहिए, आपको लाइक कोड के साथ साथ डेटा सेट चाहिए, तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। इस कॉन्टैक्ट नंबर में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, इंथुजियास्टिक हैं, प्लेसमेंट्स को लेके ज्यादा अवेयर हैं, तो आप लोग हमें डेफिनेटली इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जो सोर्स कोड है आज के इस प्रोग्राम का, एक घंटे में सब कुछ करा पाना इज वेरी डिफिकल्ट, तो मैं आप लोगों के साथ कोड और डेटा सेट और बाकी जो फाइल्स हैं वो शेयर कर दूंगी। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा आप हमें डायरेक्टली इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कोड मांग सकते हैं और टीम विल हेल्प यू आउट फॉर दैट। तो सबसे पहले हमने डेटा लिया, अब दूसरा स्टेप हमारा होगा कि डेटा का प्रिपरेशन करना। 4800 मूवीज हैं, तो उसमें जो डेटा मिला है उसको सही तरीके से प्रेजेंटेबल बनाना, कि उस डेटा में कौन सा कॉलम रखना है, कौन सा हटाना है, राइट। डेटा रैंगलिंग में डेटा को क्लीन करना, फिर डेटा को एनालिसिस करना कि हमें उस डेटा में से क्या क्या चीजें चाहिए है, फिर उसके बाद हम मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम यूज करके मॉडल बनाएंगे, मॉडल को टेस्ट करेंगे और मॉडल को डिप्लॉय करेंगे। तो ये होता है एक कंप्लीट मशीन लर्निंग का साइकिल, और यही चीजें आपके एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स में एक रिक्रूटर देखना चाहता है जब आप जाते हैं एक फाइनल इंटरव्यू के लिए, कि आपको डेटा गैदरिंग से लेके डेटा प्रिपरेशन, डेटा रैंगलिंग, एनालिसिस ऑफ द डेटा, ट्रेनिंग ऑफ द मॉडल, टेस्टिंग ऑफ द मॉडल एंड एट लास्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ द मॉडल, ऑल दिस थिंग्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल ओवर देयर व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द प्लेसमेंट। सो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ये प्रोजेक्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इन्हीं स्टेप्स को यहाँ पे कंसिडर करते हुए। तो ये जो प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं, पहला हमारा प्रोजेक्ट रहेगा डेटा से रिलेटेड, उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद पर्सनलाइजेशन, जैसे हम लोग यहाँ पे कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग का पर्सनलाइजेशन यूज करने वाले हैं, और साथ में फिर कॉम्बिनेशन रहेगा इन सारी चीजों का। तो
तो यहां तक हमने बेसिक्स क्या था इसको थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हम लोग यहाँ पे करते हैं कि किस तरीके से हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट होगा. तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि ये हमारे पास एक सीएसवी फाइल जो है ये हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है. लेट मी जस्ट शो यू हियर ऑल्सो. सो दिस सॉर्ट ऑफ सीएसवी फाइल यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है. अब यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दो डेटा हमारे पास अवेलेबल है. एक है सीएसवी और एक है मूवीज वाला डेटा, राइट. सो लेट मी जस्ट शो यू हियर कि कौन कौन सा डेटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है. सो आई एम जस्ट शोइंग यू द थिंग्स हियर व्हाट सॉर्ट ऑफ डेटा वी आर हैविंग हियर. सो हियर आई एम जस्ट ओपनिंग दिस फाइल. ये एक्सेल पे हमारे पास डेटा है तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेटा सेट में क्या कुछ हमारे पास में अवेलेबल है. तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं ये जो डेटा है हमारे पास क्रेडिट्स और मूवीज दो हमारे पास एक्सेल फाइल है. ये जो क्रेडिट वाली एक्सेल फाइल है इसमें हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है. मूवी का आईडी दिया है, मूवी का टाइटल मतलब मूवी का नाम है, जैसे अवतार, द डार्क नाइट, स्पाइडरमैन, राइट, ये सारे के सारे मूवी का नाम है. कास्ट दिया हुआ है हमारे पास. कास्ट क्या होता है, कास्ट दैट मीन्स कि उस मूवी में एक्टर कौन था, एक्ट्रेस किसको कास्ट किया गया, राइट, जूनियर रोल के लिए कौन था, तो ये सारी चीजें कहलाता है कास्ट. एंड देन आफ्टर क्रू. क्रू क्या होता है कि लेट्स से वो मूवी बनाने के लिए कैमरामैन कौन था, डायरेक्टर कौन था मूवी का, कास्टिंग डायरेक्टर कौन था, राइट, म्यूजिशियन कौन था, एडिटर कौन था, ये सारी चीजें आती है क्रू में. तो ये डेटा हमारे पास एक अवेलेबल है और इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमारे पास दो एक्सेल फाइल अवेलेबल है. एक एक्सेल फाइल जो थी आपने क्रेडिट्स वाली देख ली, दूसरी एक्सेल फाइल है हमारे पास मूवीज वाली. अब इसमें हम लोग देख पा रहे हैं उस मूवी को बनाने में कितना बजट लगा, क्या क्या जॉनर की मूवी है, कॉमेडी है, साइंस फिक्शन है, थ्रिलर है, एक्शन है, क्या है, राइट. उसका होम पेज दिया है, मूवी का आईडी, कीवर्ड्स, ठीक है, पॉपुलैरिटी दिया है, कौन सा प्रोडक्शन हाउस रिलीज किया, कौन सी डेट को रिलीज हुई, उस मूवी ने टोटल कितना रेवेन्यू अर्न किया, कितनी कमाई की, उसका रन टाइम क्या था, कौन कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल थी, मूवी का टैगलाइन क्या था, राइट, वोटर काउंट की पूरा का पूरा डेटा हमारे पास दिया हुआ है. तो इस प्रोजेक्ट में हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक है मूवीज वाला सीएसवी फाइल और दूसरा है क्रेडिट्स वाला. तो अब हम यहाँ पे चलते हैं हमारे जुपिटर नोटबुक पे और ये दोनों फाइल्स जो है क्रेडिट्स वाली और movies.csv ये दोनों फाइल हमने यहाँ पे अपलोड कर लिया है. अब हम आते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट में और इसको हम लोग एक्सप्लेन करना मैं आपको शुरू करती हूँ. तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला टास्क, यहाँ कुछ चीजें हमें अंडरस्टैंड करने वाली बात है. दो सीएसपी फाइल है, ठीक है, एक का नाम है मूवीज और दूसरी वाली सीएसवी का नाम फाइल है क्रेडिट्स, ठीक है. इसके अंदर भी कुछ हमारे पास कॉलम्स हैं और इसके अंदर भी कुछ कॉलम्स हैं. तो मेरा पहला काम यहाँ पे ये होगा कि इन दोनों को मैं अलग अलग डेटा पे अगर काम करूं, एक बार मैं मूवीज वाली एक्सेल फाइल में जाऊं, दूसरी बार मैं क्रेडिट्स वाली एक्सेल फाइल में जाऊं, तो ये एक सही तरीका नहीं होगा. क्योंकि आप अगर डेटा एनालिस्ट बनते हैं इंडस्ट्री में तो आपकी इफिशियंसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रखती है. तो हम क्या करेंगे, ये दोनों सीएसवी फाइल जो है ना, जो अलग अलग है, इन दोनों को कंबाइन करके एक सीएसवी फाइल बना लेंगे और उसका नाम रख देंगे मूवीज, ठीक है. तो पहला स्टेप हम लोग यहाँ पे ये करने वाले हैं कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों को कंबाइन करना है और एक सीएसवी फाइल बना देना है ताकि हमें बार बार दो में काम ना करना पड़े. मुझे कुछ भी जरूरत हो तो मैं डायरेक्ट इस मूवीज वाली सीएसवी फाइल को ही कंसिडर करूं, राइट. ये है हमारी पहली स्ट्रैटेजी. तो इसके लिए क्या किया हमने, इसके लिए यहाँ पे हमने देखिएगा दो लाइब्रेरीज हमने यहाँ पे इंपोर्ट की है, नंपाई और पांडास. क्योंकि आपको पता है नंपाई और पांडास दोनों लाइब्रेरी क्या कुछ इंपॉर्टेंस रोल यहाँ पे क्रिएट करती है. हमें यहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी लगाना है तो नंपाई में हम यहाँ पे एरेज का कॉन्सेप्ट लेंगे और ये जो डेटा है इसमें मुझे क्लीनिंग भी करना है प्री प्रोसेसिंग के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पांडास का यूज किया. अब ये दोनों फाइल्स जो मैंने आपको अभी दिखाई, ये वाली जो मैंने एक्सेल फाइल आपको यहाँ पे दिखाई, हियर दिस टू फाइल्स, राइट, ये दोनों, तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे रीड करना चाहती हूँ. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे हम लोग फाइल्स को रीड कर रहे हैं, डॉट सीएसवी वाली फाइल को रीड कर रहे हैं. अब जैसे यहाँ पे डॉट सीएसवी फाइल को रीड करके मैंने मूवीज डॉट हेड किया तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पूरा डेटा फ्रेम मेरे पास यहाँ पे आ चुका है जिसमें मूवी का बजट क्या था, जॉनर क्या था, ये पूरा का पूरा डिटेल आ चुका है. ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे हेड करें तो उसका भी डेटा आ चुका है. अब यहाँ पे देखिए ये जो दोनों मेरे पास में मूवीज और यहाँ पे लाइक क्रेडिट्स है, इन दोनों में क्या चीज मेरे पास कॉमन है,
यहाँ पे जो टाइटल है और जो आईडी है, ठीक है, ये जो आईडी है और यहाँ पे मूवी का जो टाइटल है, ये वाला दोनों कॉलम दोनों मूवीज डॉट सीएसवी फाइल में भी है और क्रेडिट्स डॉट सीएसवी फाइल में भी है। तो मैंने कहा इन दोनों को हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए मैं यहाँ पे जो चीज को चूज करूंगी वो है लेट्स से टाइटल, कि मैं दोनों फाइल्स को, दोनों मेरे पास एक फाइल है मूवीज वाली, दूसरी फाइल है सीएसवी वाली, आई एम सेइंग कि इन दोनों को मर्ज करना है। इन दोनों को मर्ज करने के लिए दोनों में एक एक कॉलम मेरा कॉमन है, उस कॉलम का नाम है टाइटल। तो इससे भी मैं टाइटल उठाऊंगी, इससे भी टाइटल उठाऊंगी और टाइटल के बेस में हम दोनों को मर्ज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अब हम लोग देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक कमांड का एक स्टेप लिखा, दैट इज मूवीज डॉट मर्ज क्रेडिट्स ऑन टाइटल। मतलब ये जो मूवीज वाली सीएसवी फाइल है इसको मैं मर्ज कर रही हूँ क्रेडिट्स वाली फाइल के साथ, किसके बेसिस पे, टाइटल वाले कॉलम पे, क्योंकि दोनों ही अलग अलग सीएसवी फाइल में टाइटल वाला कॉलम जो है वो सेम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया टाइटल। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे मर्ज किए तो पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि मूवीज वाला जो था इसमें हमारे पास काफी सारे कॉलम्स अवेलेबल थे। अब ये दोनों हमारे पास क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है और यहाँ पे हमने दोनों को मर्ज करके एक नया अपना बना लिया जिसमें 23 कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। देखिए कास्ट और क्रू जो था पहले हमारे पास क्रेडिट्स में अवेलेबल था, वो अब यहाँ पे आ चुका है कास्ट और क्रू पे। तो दोनों को मर्ज करके एक फाइल बना ली और उसका नाम दे दिया मूवीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतने सारे जो मेरे पास कॉलम दिया हुआ है, पहला मेरे पास दिया हुआ है बजट, ठीक है। अब हम लोग कभी ऐसा तो नहीं होता कि मूवी कितने की बनी है, राइट, उसको देख के ही आपको मूवी रिकमेंड करे दूसरी, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि 500 करोड़ की मूवी बनी है तो आपको हमेशा 500 करोड़ की मूवी यहाँ पे रिकमेंड करे, इस तरीके से रिकमेंडेशन काम नहीं करता है। और बहुत अच्छी अगर हाई बजट मूवीज भी हो तो कई बार हम नहीं देखने जाते हैं, तो बजट का रिकमेंडेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये वाला जो कॉलम है ना बजट वाला, ये हमारे काम का नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। अब जॉनर्स जो है ये कॉलम हमारे काम का है, क्योंकि कॉमेडी को कॉमेडी के साथ रिकमेंड करना है, थ्रिलर को थ्रिलर के साथ रिकमेंड करना है, तो जॉनर्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जॉनर्स जो है यहाँ पे ये वाला हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब उसके बाद है होम पेज। देखिए किसी भी मूवी का अगर वेबसाइट है avatar.com, राइट, तो हम कभी किसी मूवी का रिकमेंडेशन उसकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग तो नहीं करते कि उस मूवी का वेबसाइट अच्छा था तो आप मूवी देख लो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। तो ये चीज भी जो है वो इस तरीके से रिकमेंडेशन काम नहीं करता। तो बजट हमको नहीं चाहिए, जॉनर्स हमें चाहिए, होम पेज हमें नहीं चाहिए, मूवी का आईडी हमें चाहिए। क्योंकि आपने देखा था जब मैं आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे शो कर रही थी फाइनल वाला, अगर जैसा कि मैं प्रोजेक्ट दिखाऊं हियर, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हर मूवी का ना यहाँ पे हमको देखिए एक एक यहाँ पे पोस्टर देखने के लिए मिल रहा है। जैसे आयरन मैन का पोस्टर है, एक्स मैन, एवेंजर्स, सारे के सारे पोस्टर्स हैं। तो इन पोस्टर्स को जब हम फेच करके लाएंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी मूवी आईडी की, क्योंकि जब हम बात करते हैं TMDB की, जहाँ पे सारे मूवीज अवेलेबल होते हैं, तो उन मूवी का पोस्टर्स को फेच करने के लिए आईडी की भी जरूरत पड़ेगी, मूवी आईडी की। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो मूवी आईडी वाला हमारे पास कॉलम है ये हमें चाहिए। बजट नहीं चाहिए, राइट, जॉनर्स चाहिए, होम पेज नहीं चाहिए, आईडी चाहिए, कीवर्ड्स भी हमें चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे यहाँ पे लेट्स से मूवीज में कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं, जैसे कुछ मूवी साइंस फिक्शन को डिनोट कर रही है या कुछ उसमें कीवर्ड्स हैं, ठीक है, तो वो कीवर्ड्स हमें जरूर चाहिए ताकि उसी के बेसिस में, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे हैं। तो जब कॉन्टेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम होगा तो उसमें कॉन्टेंट भी तो मैच करना चाहिए और वो सारा का सारा हमें कीवर्ड के अंदर मिलेगा, इसलिए कीवर्ड वाले कॉलम को हम रख रहेंगे। अब यहाँ ओरिजिनल लैंग्वेज अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्यादातर के जो डेटा सेट में लैंग्वेजेस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, उसमें हमारे पास है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो इसलिए जब 93% हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज अगर अवेलेबल है तो हमारा इसको लेने का कोई पर्पस नहीं होता, क्योंकि जो भी रिकमेंडेशन करेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही करेगा। तो बजट नॉट रिक्वायर्ड, जॉनर्स चाहिए, होम पेज नहीं चाहिए, आईडी चाहिए, कीवर्ड चाहिए, नेचुरल ओरिजिनल लैंग्वेज का कोई पर्पस नहीं है, ओरिजिनल टाइटल का भी पर्पस नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट टाइटल को ही लेने वाले हैं। ओरिजिनल टाइटल क्या होता है, बेसिकली ओरिजिनल टाइटल कहने का मतलब ये, बहुत सारे मूवीज जैसे कि साउथ के मूवीज जो होते हैं, राइट, उनका टाइटल कभी कुछ और होता है, लेकिन अगर बॉलीवुड ने उसी का रीमेक कर दिया तो टाइटल बदल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है ओरिजिनल टाइटल, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। ओवरव्यू की हमें जरूरत है कि वो जो मूवी है उसका ओवरव्यू क्या था,
किस सिनारियो पे वो मूवी बेस्ड है। कभी ऐसे होता था कि ये जो मूवी है वो 19th सेंचुरी की आपके पास मूवी है, राइट? तो ये जो ओवरव्यू है ये हमें चाहिए क्योंकि हम कॉन्टेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे हैं। पॉपुलैरिटी का ऐसा कुछ खास लेना देना है नहीं। कई बार अगर हम एक लेस पॉपुलर मूवी को भी सर्च करें तो उसका भी हो सकता है कि जो कंटेंट है वो पॉपुलर मूवी के साथ में आ जाए, तो इसलिए पॉपुलैरिटी का कोई लेना देना है नहीं। प्रोडक्शन कंपनीज, कभी ऐसा नहीं होता कि हम ऐसा रिकमेंड करते हो कि तुमने धर्मा की एक धर्मा प्रोडक्शन की एक मूवी देख ली तो अगली भी धर्मा की देखो, इट इज नॉट लाइक दैट। रन टाइम से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि 3 घंटे की मूवी ही आपको रिकमेंड करेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। स्पोकन लैंग्वेज से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उस मूवी में क्या क्या लैंग्वेज बोली गई, दैट इज द स्पोकन लैंग्वेज, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टेटस भी हमें ज्यादा नहीं चाहिए कि वो रिलीज्ड है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं चाहिए। टैगलाइन हमें चाहिए, राइट? टैगलाइन इंपॉर्टेंट है कि जैसे अवतार है तो एंटर द वर्ल्ड ऑफ पेंडोरा, तो उसका जो टैगलाइन होता है मूवी का वो इंपॉर्टेंट कभी कभी हो जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग ये जो है टैगलाइंस की अगर यहाँ पे बात करें, सो लाइक वी कैन कंसिडर, लाइक फॉर सम ऑफ द केसेस वी कैन कंसिडर टैगलाइंस ऑल्सो, बट यहाँ पे इसके लिए हमने नहीं लिया है क्योंकि बहुत बार मूवी कुछ और होती है और टैगलाइन कुछ और होता है, इसलिए हमने इसमें कंसिडर नहीं किया है। बट आप अगर चाहें टैगलाइंस को भी कंसिडर करना तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने जो डेटा सेट है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। टाइटल हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि मूवी का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वोट काउंट, मूवी आईडी और बाकी कास्ट, हाँ यहाँ पे मूवी आईडी तो हमने ऑलरेडी पहले ले लिया है। अब कास्ट और क्रू, इस बात से फर्क पड़ता है क्योंकि कई बार रिकमेंडेशन इस तरीके से भी होते हैं कि सलमान खान की मूवी है चले जाओ देखने, या फिर लेट्स से रणबीर कपूर की मूवी है, तो यहाँ पे कास्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो टॉप कास्ट है हमारे, टॉप 3 टॉप 5 कास्ट जो है वही हम लेंगे, सारे के सारे कास्ट हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि जो रिकमेंडेशन होता है वो लीड एक्टर या एक्ट्रेसेस के अकॉर्डिंग ही होता है। और रही बात क्रू की, तो कभी हम इस तरीके से बहुत कमी आपने सुना होगा कि उसका कैमरामैन वो है तो हमें वो मूवी देखने जाना चाहिए, इस तरीके से नहीं होता है। बट हाँ, डायरेक्टर के लिए जो रिकमेंडेशन है वो कहीं ना कहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इस क्रू में बाकी जो चीजें दी गई है इससे केवल और केवल एक्सट्रैक्ट करेंगे डायरेक्टर, ठीक है? ये हमारा अगला टास्क होना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए movies.info हम लोग जैसे यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, movies.head मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे इज द लम सम अगर हम लोग यहाँ पे करके देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवरव्यू जो वाला कॉलम है इसमें 3 डेटा मिसिंग है। अब इन 4,800 में से अगर 3 डेटा मिसिंग है तो इसको हम बहुत ही कम है, राइट? एज कम्पेयर टू 4,800 दिस इज वेरी लेस डेटा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लाइक नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे movies.drop.any कर लिया। अब यहाँ पे हमारा काम ये था कि जॉनर हमें चाहिए था, तो यहाँ से हमने मूवी का क्या जॉनर है इसको यहाँ पे निकाला। अब यहाँ पे हम लोग जो देख पा रहे हैं, हियर वी कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे जॉनर आपको दिखाऊं दिस पार्ट, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, लेट मी जस्ट शो यू हियर, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब एक लिस्ट है और एक लिस्ट के अंदर में डिक्शनरीज बनी हुई है, ठीक है? तो ये जो जॉनर है ये क्या है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है। अब ये जो है मेरे को इसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इसको मुझे साफ सुथरा लिस्ट के फॉर्मेट में ही लेके आना है, और यही काम होता है डेटा को क्लीन करने का, उसको प्री प्रोसेस करने का, ताकि रिप्रेजेंटेबल तरीके से हमारे पास मिल पाए। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कि जो फंक्शन है आपके पास में, इंपोर्ट किया एएसटी को, और यहाँ पे AST.literal eval ये हमें काम करता है इस चीज को करने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना भी डिक्शनरी था वो यहाँ से हट चुका है और केवल एक लिस्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। जैसे एक्शन इस मूवी का, ये जो अवतार मूवी है इसका जॉनर क्या क्या है, तो यहाँ पे एक्शन है, एडवेंचर है, फैंटेसी है, साइंस फिक्शन है, ये हमें अब एक सही तरीके से एक लिस्ट के फॉर्मेट में देखने के लिए मिल रहा है, राइट? अब इसी तरीके से क्या करना होगा, अब यहाँ पे अगर कीवर्ड्स को देखें अगर जाके, तो कीवर्ड्स भी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, कास्ट भी ऐसे ही दिख रहा है, क्रू भी ऐसे ही दिख रहा है कि इसके अंदर डिक्शनरीज है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिटरल इवाल जो यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया हुआ एएसटी, इसकी मदद से इसको सही जो है हमारे पास लिस्ट में उसमें लेके आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखिए मूवीज और कीवर्ड्स में भी हमने यही चीज को फॉलो किया। उसके बाद हम लोग अगर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे हमने सेम चीज को लगाया कास्ट के लिए भी, क्योंकि कास्ट देखिए हमें पूरा का पूरा कास्ट से मतलब नहीं था, हमें केवल और केवल शुरुआत के टॉप 3 कास्ट ही चाहिए थे। तो हमने यहाँ पे देखा कि टॉप 3 कास्ट में जैसे हम लोग अगर बात करें अवतार की, सो इट्स सैम वर्थिंगटन, देन इट्स जियो सैल्डेना, देन इट्स वीवर, राइट?
तो ये जो हमारे पास टॉप 3 कास्ट थे उसी को हमने लिया, ठीक है। तो कास्ट में हमने कितने लिए, पूरे कास्ट को हमने नहीं लिया, केवल टॉप के 3 कास्ट। अब क्रू की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि क्रू जो है हमारे पास, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे क्रू को देखें तो क्रू में बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन था, राइटिंग डिपार्टमेंट किसका था, राइट, म्यूजिक एडिटर कौन था, साउंड किसका था, डिपार्टमेंट, साउंड डिपार्टमेंट, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। लेकिन हमें क्या क्या चाहिए, केवल और केवल हमें डायरेक्टर का नाम चाहिए, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टर का नाम बस निकालना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ये वाला फंक्शन जो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ये फंक्शन। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से हमने केवल और केवल डायरेक्टर का नाम जो है फेच कर लिया। जैसे अवतार मूवी का डायरेक्टर था जेम्स कैमरन, तो ये हमने नाम यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। वैसे हर एक मूवी का, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का था गोर, राइट, देन इट्स सैम मेंडेस फॉर द स्पेक्टर, तो डिफरेंट डिफरेंट नाम हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो ये क्या स्टेप थे, ये हमारे स्टेप थे कुछ, जहां पे हमने डेटा को क्या किया, थोड़ा सा अलाइन किया, क्लीन किया और सही तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो ओवरव्यू अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये ओवरव्यू जो दिख रहा है यहाँ पे, ये अभी हमारे पास नॉर्मल लिखा हुआ है। बाकी सारा डेटा देखिए, जॉनर्स भी एक लिस्ट के अंदर है, राइट, ये दिख रहा है ना स्क्वायर ब्रैकेट, कीवर्ड्स भी एक लिस्ट के अंदर है, कास्ट भी लिस्ट के अंदर है, क्रू भी लिस्ट के अंदर है, लेकिन ये ओवरव्यू अभी लिस्ट के अंदर नहीं है, ये बस पैराग्राफ की तरह है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। तो इसको हम लोग बना लेंगे लिस्ट के फॉर्मेट में, और यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर लिया लिस्ट के फॉर्मेट में। अब तीसरा काम मेरा यहाँ पे ये है कि मैंने अब प्रेजेंटेबल तो कर लिया डेटा को, अब मैं ये चाहती हूँ कि इतने सारे कॉलम्स ना रहे, केवल 3 कॉलम रहे। एक कॉलम का नाम हो मूवी आईडी, दूसरे कॉलम का नाम हो कि उस मूवी का टाइटल क्या था, और तीसरा वाला जो कॉलम है ना, ये वाला कॉलम, ये सारे कॉलम्स को मर्ज करके, इन सबको जोड़ के मैं एक कॉलम बनाना चाहती हूँ जिसका नाम हो टैग्स। तो यहाँ पे हम एक टैग्स वाला जो कॉलम है इसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और हियर वी कैन सी कि यहाँ पे सारे के सारे कॉलम्स को जोड़ के मैंने बना लिया एक टैग वाला कॉलम, और यहाँ पे आ चुका है ये टैग वाला कॉलम भी, ठीक है। अब द थिंग इज दैट कि यहाँ पे ये चीज तो हमने कर ली, अब यहाँ पे हमें बनाना है रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन बनाने के लिए यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसा कि हमने यहाँ पे काउंट वैक्टराइजर इसका यूज किया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक बात को समझने की कोशिश करें कि अब आपने एनालिसिस तो कर लिया, लेट्स से ऑल राइट, सो लेट्स से यहाँ पे आपने एनालिसिस तो कर लिया 5000 मूवीज का, आपने इस पूरे के पूरे बड़े से डेटा को, सारी चीजें आपने क्लीन करने के बाद, उसको प्री प्रोसेस करने के बाद, 3 आप उसको कॉलम्स पे सही तरीके से बना के ले आए। पहला कॉलम था आपका मूवी आईडी, दूसरा कॉलम था आपका टैग्स, तीसरा कॉलम था लेट्स से टाइटल, ठीक है। अब ये 5000 मूवीज हैं, अब मैं कैसे एक ऐसा रिकमेंडेशन सिस्टम बनाऊं कि मुझे पता चल जाए कि ओके अगर कोई अवतार बोल रहा है तो उससे मिलती जुलती 5 मूवीज हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन हमारा काम करेगा वो टैग्स के बेसिस पे करेगा, राइट। हर मूवी को, जितना भी कास्ट था, क्रू था, सब कॉलम को जोड़ के मैंने टैग बना दिया। तो लेट सपोज यहाँ पे मूवी 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, राइट, अप एंड अप टू सो ऑन, और ये सारे जो टैग्स है ना, यहाँ पे सारे के सारे टैग्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। तो अब जो टैग है इसी के अंदर सारा कॉन्टेंट अवेलेबल है, तो इसी के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टेंट के थ्रू ही रिकमेंडेशन सिस्टम काम करेगा, ओके। तो अब ये जो कॉन्टेंट है, अब मैं कैसे पहचानूं कि जो कॉन्टेंट मूवी 1 में था वो 3 में है या नहीं है, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो वर्ड्स, जो टेक्निक्स हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए यहाँ पे यूज होता है, तो अभी हम किस तरीके से फिल्टरिंग कर रहे हैं, राइट नाउ वी आर डूइंग द कॉन्टेंट बेस्ड फिल्टरिंग। तो अब इस कॉन्टेंट बेस्ड फिल्टरिंग के लिए कुछ ट्रिक्स यहाँ पे यूज होते हैं, जैसा कि हम कहते हैं बैक ऑफ वर्ड्स, राइट। तो लेट्स से ये जो 5000 मूवीज है, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू लेट्स सपोज 5000, और हर मूवी में क्या क्या है, आपके पास एक टैग्स है जिसके अंदर सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है। अब ये सारा का सारा कंटेंट में से लेट्स सपोज अगर मैं ये सारे टैग्स को जोड़ दूं, टैग 1, टैग 2, टैग 3, तो ये बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे, राइट। अब मैं यहाँ पे बैग ऑफ वर्ड्स टेक्निक का यूज कर रही हूँ, ताकि जो टॉप, लेट्स से मान लीजिए 5000 वर्ड्स है,
उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँ। कहने का मतलब ये, लेट्स से यहाँ पे है आपका मूवी वन, दिस इज योर मूवी टू, दिस इज योर मूवी थ्री एंड सो ऑन अप टू मूवी 5000। मैंने कहा हर मूवी का एक यहाँ पे टैग है, जैसे मान लीजिए टैग वन, टैग टू, टैग थ्री अप टू टैग 5000। अब हर एक टैग के अंदर एक पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना। लेट सपोज इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स हैं, 200 वर्ड्स हैं, इसमें 50 वर्ड्स हैं, इन सारे के सारे टैग्स को अगर जोड़ दें तो एक बहुत बड़ा सा हमारे पास वर्ड का कलेक्शन आ जाएगा। तो मेरा कहना यहाँ पे ये है कि हम टॉप के जो लाइक 5000 वर्ड्स, जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं जो हर मूवी में आ रहे हैं, वो हम यहाँ पे कंसिडर कर लें, और यही टेक्निक कहलाती है बैग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब इसी बैग ऑफ वर्ड्स से हम क्या करेंगे, लेट मी शो यू हियर, इसी बैग ऑफ वर्ड्स से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक मूवी का जो एक टैग है इसको हम यहाँ पे बदल देंगे वेक्टर्स में। दैट मींस ये जो टैग है इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम बदल देंगे किसमें, वेक्टर में। तो ये मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम होता है जहां पे हम टेक्स्ट वेक्टराइजेशन का यूज करते हैं। अब लेट सपोज यहाँ पे आपके पास, अगर ये क्यों टेक्स्ट वेक्टराइजर किया हमने, तो उसका रीजन यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे लेट सपोज आपके पास कोई मूवी है, ठीक है, ये आपके पास ए नाम की मूवी है। अब मुझे ए से मिलती जुलती बाकी कौन सी मूवीज हैं ये अगर बताना है तो यहाँ पे बहुत सारी वेक्टर्स अवेलेबल हैं, राइट, एज हियर वी कैन सी सो मेनी वेक्टर्स आर अवेलेबल। तो ए से मिलती जुलती मूवीज कौन सी है मुझे ये बताना है, तो इसके नियर बाय कौन सा वेक्टर है, इसके पास जो वेक्टर है वही मूवीज इसके क्या होगी, मिलती जुलती होगी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दे रहे हैं वेक्टर्स में, और ये कहलाता है हमारा मशीन लर्निंग का मॉडल, और इसी को हम लोग यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं, और यही चीज हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज राइट नाउ, लेट मी जस्ट शो यू। ओके, तो ये चीजें हमने यहाँ पे टेक्स्ट वेक्टराइजर लगा के कर ली, सारा का सारा हम लोग यहाँ पे सिमिलैरिटी जो है एक मूवी का दूसरे मूवी से क्या सिमिलैरिटी, ये चीजें हमने यहाँ पे देख लिया। लेट सपोज यहाँ पे रिकमेंड में हमें दिखा रहा है अवतार, तो अवतार से रिलेटेड देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि टोटल जैसे ही मैंने यहाँ अवतार डाला ये मॉडल डिप्लॉय करने के बाद, तो इससे मिलते जुलते 5 मूवीज मुझे दिखा रहे हैं, एलियंस, फाल्कन राइजिंग, इंडिपेंडेंस डे, टाइटन ए, राइट। तो ये जो मेरा रिकमेंडेशन मॉडल है वो यहाँ पे बन चुका है पाइथन में ऑलरेडी, लेकिन ये जो मॉडल है वो अभी डिप्लॉय नहीं हुआ है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट यहाँ पे ये है, हमारा गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है, सो आवर गोल एंड ऑब्जेक्टिव इज दैट कि हमें यहाँ पे कंप्लीट एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें हम लोग क्या कर पाए, हम लोग डिप्लॉयमेंट करके भी वहां पे बहुत ही आसानी से दिखा पाए, राइट। सो दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो ये प्रोजेक्ट जो है हमने यहाँ तक कंप्लीट किया जुपिटर नोटबुक पे, जुपिटर नोटबुक पे भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हम कुछ और फाइल्स का यूज करेंगे और ओपन करेंगे अपना दूसरा आईडीई जिसे हम लोग कहते हैं पाईचार्म। ओके, सो पाईचार्म मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इस पाईचार्म में मैंने जितनी चीजें वहां पे की है, मैं यहाँ पे आऊंगी और इस पे मैं, मुझे क्या करना है, मुझे पोस्टर्स भी फेच करना है। तो पोस्टर्स को आपको अगर फेच करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पोस्टर्स फेच करना है तो इसके लिए हम लोग जाके लेट्स से टीएमडीबी जो होता है, राइट, लेट मी शो यू हियर, हियर इट इज। ओके, सो जो टीएमडीबी होता है उसमें जाके हम लोग मूवीज के बारे में सर्च करेंगे और वहां से पोस्टर्स को फेच करके लाएंगे। तो पोस्टर्स को फेच करना था तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो कोड दिख रहा है पोस्टर पाथ का, ये कोड मैंने यहाँ पे लिखा। इसके बाद ये जो मूवीज है मुझे वन बाय वन करके सारी चीजें मिले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर देखें, इसको अगर मैं वापस से एक बार रिफ्रेश करके अगर मैं रन करूं, सो इट इज शोइंग। ओके, तो हमें यहाँ पे स्ट्रीमलेट एक बार रन करना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको प्रोजेक्ट को सबसे पहले एक बार रन करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये अब पाईचार्म पे आने के बाद मैंने कुछ फाइल्स क्रिएट की। एक फाइल है मेरी app.py नाम से, पिकल फाइल मैंने बनाई क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रीमलेट का यूज कर रहे हैं और पिकल फाइल के थ्रू जो हम वहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो मेरी 5000 मूवीज का डेटा मैंने एक बना लिया है वो यहाँ पे मेरे पास बना हुआ है पिकल फाइल में। तो यहाँ पे हम लोग एक और लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं जिसे हम पाइथन की पिकल लाइब्रेरी कहते हैं, और वहां पे दो हमने बना लिया, एक similarity.pickle और एक movies.pickle, ठीक है। ये दोनों लाइब्रेरीज हमने वहां पे क्रिएट कर ली और वही हमने यहाँ पे लाके बेसिक तौर पे कहा जाए तो हमने कॉपी वहां से किया और यहाँ पे पेस्ट किया है। मैं एक बार आपको दिखा भी दूं अगर,
सो लेट मी जस्ट शो यू हियर. हियर वी कैन सी कि यहाँ पे मूवीज और सिमिलैरिटी डॉट पिकल वाली फाइल हमारे पास जुपिटर नोटबुक पे बनी हुई थी, वही फाइल्स को हमने यहाँ पे कॉपी और पेस्ट किया. इसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम लोग एक बार इस मैं रन करके आपको दिखाती हूँ, तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी. स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी क्या काम करती है? तो स्ट्रीमलेट जो हमारे पास लाइब्रेरी होती है, ये पाइथन की एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी होती है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होती है कि कैसे आप उसकी मदद से एक पूरा का पूरा कंप्लीट लाइक बना सकते हैं वेब ऐप का पेज, राइट. तो वही चीज हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे पिप इंस्टॉल, अभी सबसे पहले हमें स्ट्रीमलेट इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे pip install streamlit. यहाँ पे नीचे जो आप देख पा रहे हैं streamlit library, जो मैंने कहा जो कि हमें पूरा web app बना के दे रही है, local host का एक ID दे रही है, तो ये सब कुछ हमने streamlit की मदद से किया है. और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं pip install streamlit. सो बेसिकली ये जो है प्रोजेक्ट, मैं आपको यहाँ पे केवल ब्रीफली ही बता पा रही हूँ. इस पूरे प्रोजेक्ट को करने के लिए मिनिमम हमें 4 to 5 hours का टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत ही डिटेल में हम लोग करते हैं. तो वो सारी चीजें हम डेफिनेटली हमारे प्रीमियम बैचेस जो है उसमें पूरा का पूरा प्रोजेक्ट करेंगे. बट आज की क्लास में आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ जो है वो समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रोजेक्ट्स वर्क करते हैं. बट इन आवर मेन प्रीमियम एंड पेड क्लासेस वी आर गोइंग टू लर्न मोर इन डिटेल. और ये पूरा 5 घंटे का प्रोजेक्ट पूरा डिप्लॉयमेंट के साथ AWS माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में वो हम पूरा कंप्लीट करेंगे इन आवर प्रीमियम बैचेस. तो यहाँ पे हमने पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट करके किया. अब एंटर बटन यहाँ पे आपको शिफ्ट करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये जो स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी है, राइट, इस स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी को सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है. तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इंस्टॉलेशन अभी मेरा जाके यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. कुछ देर में पहले से यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड था, तो ये बहुत ही जल्दी हो गया. अगर आप पहली बार करेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, बट इट विल गिव यू द रिजल्ट्स, राइट. तो यहाँ पे हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिया. अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पाई, ठीक है. ये कमांड हम लोग रन करेंगे. अब जैसे ये कमांड यहाँ पे रन होगा, देखिए लोकल होस्ट का मुझे यहाँ पे लिंक मिला और यहाँ पे मेरा वेबसाइट जो वेब ऐप है मेरे पास, ये मेरा वेब ऐप बन के ओपन हो गया, ठीक है. अब देखिए ये जो हमारे पास ऐप बना है, अब इस ऐप में भी कुछ चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी. जैसे हमने यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है मूवी रिकमेंडर सिस्टम नाम से. ये टाइटल कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग आते हैं पाईचार्म पे. और यहाँ पे ऐप डॉट पाई हमारे पास ऑलरेडी ओपन है. अब यहाँ पे देखिए, इसके पहले कुछ लाइब्रेरीज हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे स्ट्रीमलेट हमने यूज किया है, पिकल लाइब्रेरी यूज किया है, पांडास यूज किया और रिक्वेस्ट यूज किया है. रिक्वेस्ट जो है वो हमें हेल्प करता है यूआरएल के थ्रू, राइट. रिक्वेस्ट क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट इसलिए यूज करेंगे, जितनी भी मूवीज हम लोग देख रहे हैं उसका पोस्टर बना हुआ है, राइट. तो जो पोस्टर है वो हमें डायरेक्ट TMDB से लेके आना है. TMDB क्या होता है, यहाँ पे सारे के सारे मूवीज का आपका कलेक्शन होता है. वहां पे मूवी की ID, मूवी का पोस्टर क्या था, मूवी कब रिलीज हुई, पूरा का पूरा XYZ डिटेल जो होता है वो आपका अवेलेबल होता है किसमें, TMDB में. और यही चीज हम लोग वहां से लेंगे. तो 4 लाइब्रेरीज हैं स्ट्रीमलेट वेब ऐप बनाने के लिए. पिकल हम यहाँ पे पिकल डंप कर रहे हैं ताकि डेटा यहाँ पे आ पाए, पांडास डेटा क्लीनिंग के लिए और रिक्वेस्ट URL को आपका रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है. अब पोस्टर चाहिए था, तो पोस्टर के लिए यहाँ पे हमने फेच पोस्टर का जो कमांड होता है ये कमांड हमने लिखा, जिसे हम थोड़ा सा और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे जब हम कंप्लीट 5 hours का ये प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करेंगे. इसके साथ साथ यहाँ पे हमने कुछ टाइटल्स भी हमें यहाँ पे देने थे, राइट. जैसा कि मूवी रिकमेंडर सिस्टम हमारा इस प्रोजेक्ट का टाइटल है, तो यहाँ पे हमने देखिए ST.title. अब ये स्ट्रीमलेट का हमने एलियास बना लिया है ST नाम से, तो यहाँ पे हम ST.title जो है इसका यहाँ पे यूज करके मूवी रिकमेंडर सिस्टम हमने जो टाइटल रखा था वो टाइटल यहाँ पे आ चुका है. इसके साथ साथ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटर अ मूवी नेम आपसे पूछ रहा है. और यहाँ पे जैसे आप ये बॉक्स हमें यहाँ पे बनाना है, इस बॉक्स में हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे नियर अबाउट हमें 5000 मूवीज का जो डेटा है, राइट, ये हमें यहाँ पे शो करना शुरू कर दिया है. तो जैसे मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ, हियर यू कैन सी कि पूरे के पूरे 5000 मूवीज यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है. एज यू कैन सी आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग दिस डाउन एंड डाउन, it is showing me the data, right. तो ये बहुत बड़ा सा 4500 मूवीज है, ये पूरा का पूरा डेटा हम लोग यहाँ पे अपने इस वेब ऐप में लेकर आ चुके हैं. कैसे लेकर आए हैं तो थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे
आपका एक रिकमेंड बटन है, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट मूवी नेम, यहाँ पे दिखा रहा था ना एंटर मूवी नेम और क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट बॉक्स जो एक होता है, देखिए आई मस्ट सजेस्ट यू दैट जब भी हम लोग किसी भी लाइब्रेरी में काम करें, जैसे यहाँ पे हम लोग पिकल लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिमलेट लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, तो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं और किसी लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं, लेट्स से स्ट्रिमलेट और लेट्स से पिकल, राइट, तो सबसे ज्यादा जरूरी है जिस भी आप जिसमें भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको ओपन कर लीजिए, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाएंगे, आपको किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, राइट, आपको किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में डिप्लॉय किया जाएगा, उसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आपको प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा, तो वहां पे भी आपको हर एक लाइब्रेरी का डॉक्यूमेंटेशन इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत लोग को लगता है कि मैं केवल और केवल इतना पढ़ के चले जाऊंगा, डेटा एनालिस्ट बन जाऊंगा, डेफिनेटली जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आपकी वो तो आप फुलफिल यहाँ पे कर ही रहे हैं, राइट, एज अ लाइक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, आपको जॉब तक पहुंचने के लिए, लेकिन जब आप चले जाएंगे जॉब में काम भी करेंगे तो वहां पे आपको जो प्रोजेक्ट असाइन होंगे, तो आपको जो भी चीजें उसमें यूज करनी है उस प्रोजेक्ट में, जिस लाइब्रेरी पे आपको काम करना है, उसके लिए आपको जरूरी है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी आदत आप अभी से डालें। स्ट्रीमलेट में अगर काम करना है तो एक बार स्ट्रीमलेट का हर एक लाइब्रेरी जो है पाइथन की, सबका डॉक्यूमेंटेशन आसानी से अवेलेबल है, हर लाइब्रेरी जो जहाँ पे क्रिएट हुई है डॉक्यूमेंटेशन इसलिए अवेलेबल है ताकि आप लोग उस डॉक्यूमेंटेशन को देख पाए। अगर लेट सपोज यहाँ पे ये जो मेरा पूरा का पूरा, लेट मी शो यू हियर, ये है हमारा एक वेब ऐप, ठीक है, अब इस वेब ऐप में मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और बॉक्स बना के डालना चाहती, इस बॉक्स में कुछ और ड्रॉप डाउन डालना चाहती, ठीक है, या फिर मैं ये चाहती कि एक और मेरे पास यहाँ पे फीचर आ जाए, ठीक है, यहाँ पे मैं एक और कैटेगरी बना लूं कि यहाँ पे केवल कॉमेडी मूवीज है, ठीक है, मतलब यही वाला वेब ऐप में एक मैं बना लेती कॉमेडी के लिए, ठीक है, एक मैं बना लेती एक्शन के लिए, एक मैं बना लेती मान लीजिए थ्रिलर के लिए, तो ऐसे में अलग अलग कुछ बनाना चाहूँ, तो ये आपको बॉक्सेस कैसे बनाना है, कहाँ पे ड्रॉप डाउन आएगा, कहाँ पे डेटा सेट को हम अपलोड कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे चीजों को डिफरेंट तरीके से दिखा सकते हैं, इन सारी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी पार्ट आपका जो हो जाता है दैट इज योर डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट। तो हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट करें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तरफ डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके रखें, अभी से आदत होगी इंडस्ट्री पे भी जाएंगे, व्हेनेवर यू आर गेटिंग द प्रोजेक्ट्स योर फर्स्ट टास्क इज गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन, ट्राई टू लर्न इट एंड देन आफ्टर ट्राई टू इंप्लीमेंट इट ऑन योर प्रोजेक्ट्स, ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कमिंग टू द पॉइंट, ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरीके से हमने यहाँ पे कुछ पोस्टर्स देखे, पोस्टर्स दे रहे थे तो कुछ कॉलम्स हमने बनाए, ये सारा डेटा हमने app.py का बनाया, और इसके साथ साथ यहाँ पे पिकल जो है हमारे पास, ये एक हमारे पास पिकल फाइल बन के आ चुकी है, राइट, तो ये यहाँ पे डिक्ट मूवीज डॉट डिक्ट पिकल, इस तरीके से हमने यहाँ पे कंप्लीट जो चीजों की रिक्वायरमेंट थी इसको हमने यहाँ पे इजिली फुलफिल किया। अब यहाँ पे लेट मी शो यू हियर, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग लोकल URL एंड नेटवर्क URL, राइट, तो आप इसको ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपका किसी भी आपका जो ब्राउजर ओपन है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, चाहे आप लाइक क्रोम यूज कर रहे हैं, मोज़िला फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, उसमें ये अपने आप ही ओपन हो जाता है, और अपने आप नहीं भी ओपन हो पा रहा है, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो लोकल होस्ट का लिंक यहाँ पे दिख रहा है ना, लोकल URL, इसको सिंपली यहाँ से क्या करना, इसको यहाँ पे सिंपली कॉपी करना है, अपने ब्राउजर पे जाइएगा, कोई भी नया टैब ओपन करके इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करके इसको यहाँ पे रन करेंगे, सो हियर वी कैन सी नाउ ऑल्सो वी आर ओपनिंग दिस थिंग, ठीक है, ऐसे भी हम लोग यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि पूरे के पूरे लाइक सारे के सारे यहाँ पे मूवीज जो है वो अवेलेबल है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको ट्राई करके देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स की मूवी को ओपन करने के लिए। सो कुछ मूवीज शुरुआत में हमने देखी थी, लेट सपोज यहाँ पे वॉटर वर्ल्ड, राइट, समथिंग रिलेटेड टू वॉटर, आई हैव नॉट वॉच दिस मूवी, आई हैव नॉट सीन दिस, बट लेट मी जस्ट डू वन थिंग, इसको हम लोग यहाँ पे रिकमेंड करके देखते हैं। सो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे रिलेटेड जो है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, इससे रिलेटेड हमें यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है वो शो हो रहा है। अब स्ट्रीमलेट में आपको कुछ और एडवांटेजेस मिल जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टॉप में जाके 3 buttons पे प्रेस किया, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया,
तो यहाँ पे हमें यही चीज थोड़ा सा वाइड मोड, लेट्स से द डार्क नाइट, सो मेनी थिंग्स आर गिवन ओवर हियर. वी कैन सेलेक्ट एनी, जो भी हम देखना चाहें अपने अकॉर्डिंग. इंसेप्शन, इंसेप्शन एक बहुत ही अच्छी मूवी आई थी, दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू साइंस फिक्शन. तो इसका अगर हम लोग रिकमेंडेशन देखें, सो हियर इट इज शोइंग दैट कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दैट मूवी इंसेप्शन वॉज समथिंग रिलेटेड टू साइंस एंड फिक्शन एंड द पर्सन गोज बियॉन्ड द टाइम, राइट? इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू साइंस फिक्शन फ्रेगमेंट. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो हमें यहाँ पे रिकमेंडेशन है वो बॉलीवुड की मूवी जो है क्रिश, एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दैट, राइट? उसके साथ में भी यहाँ पे जोड़ के हमें रिकमेंडेशन दिखा रहे हैं. तो जितने भी TMTV में हमारे 5000 मूवीज वहां पे अवेलेबल हैं, ये सारे के सारे मूवीज के साथ में यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि लाइक इंसेप्शन वॉज अ हॉलीवुड मूवी, बट स्टिल वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ क्रिश ऑल्सो, जो कि उससे कुछ मिलता जुलता जॉनर था यहाँ पे, राइट? इस तरीके से रिकमेंडेशन काम करता है. एक आध मूवीज यहाँ पे और देख लेते हैं थोड़े डिफरेंट जॉनर की, क्योंकि अभी तक हमने ज्यादातर साइंस फिक्शन ही देखा है. सो लेट्स सेलेक्ट समथिंग मोर हियर. हैरी पॉटर, राइट? हमारा आधा बचपन हैरी पॉटर देखने के लिए निकल गया, एंड नाउ वी आर हियर टू जस्ट मेक द रिकमेंडेशन मॉडल्स ऑफ दिस हैरी पॉटर मूवी. सो हियर वी कैन सी, राइट, देयर आर हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ व्हाट इज इट एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन, हैरी पॉटर एंड द हाफ-ब्लड प्रिंस, हैरी पॉटर एंड द प्रिजन ऑफ अज़्काबान. तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक ही आपका मूवी था हैरी पॉटर, इससे रिलेटेड यहाँ पे इसके सारे के सारे जो अदर पार्ट्स आए थे वो हमें रिकमेंडेशन पे शो कर रहा है. सो द थिंग इज दैट कि यहाँ पे आपके जो पोस्टर्स हैं, अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये सवाल आएगा कि केवल और केवल लेट्स से पांच ही पोस्टर्स क्यों, राइट? सो मैंने ये जो मॉडल किया हुआ है ये मैंने केवल पांच रिकमेंडेशंस दिखाने के लिए किया हुआ है. बैग ऑफ वर्ड्स टेक्निक का हमने यहाँ पे यूज किया है. आप लोग अगर खुद से कुछ डेवलप करना चाह रहे हैं, खुद से बनाना चाह रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मैं पांच नहीं 10 मूवीज जो है वो रिकमेंड करके यहाँ पे दिखा पाऊं, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पांच की जगह 10 मूवीज भी रिकमेंड कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज आई कैन से अगेन इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. कि जब भी हम लोग इंटरव्यूज में भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब से देखकर या फिर गिटहब में भी कुछ लिंक्स कोड्स अवेलेबल होते हैं, कुछ वेबसाइट्स में भी कोड मिल जाते हैं, तो उसको देख के केवल और केवल क्या करते हैं, प्रोजेक्ट गए वो जुपिटर नोटबुक पे या फिर जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं उस पर जाके प्रोजेक्ट को केवल और केवल हम कॉपी और पेस्ट कर देते हैं. एंड मल्टीपल टाइम्स उसके बाद हम लोग लिंक्डइन पे भी जाके बहुत सारे लोग अपने प्रोजेक्ट को शोकेस करते हैं कि ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आता है, बट स्टिल दैट रिस्पॉन्स वॉज नॉट दैट एडिक्वेट कि हम एक जॉब तक पहुंच पाए, राइट? तो जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाना. आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट में डेटा को गैदर करने से लेके डेटा आपको हो सकता है कि कभी खुद से डेटा मिल जाए, कभी आपको किसी वेबसाइट से जाके डेटा को उठा के लाना हो, वेब स्क्रैपिंग आपको आना चाहिए, या कभी आपको डेटा जो है लेट्स से बहुत ही डर्टी डेटा मिला हुआ है वो आपको उस पर काम करना आना चाहिए. तो अगर हम लोग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें, राइट, तो बेसिकली एक डेटा एनालिस्ट का या फिर बहुत सारी जगह पोजीशंस जो टाइटल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द बिजनेस एनालिस्ट आल्सो. तो आपका सबसे ज्यादा जो टाइम है 80% टाइम स्पेंड करते हैं आप डेटा को क्लीन करने के लिए. बहुत जगह बहुत सारा जो डेटा मिलता है, किसी वेबसाइट से डेटा आया है, किसी सोर्स से डेटा आया है, बहुत ही ज्यादा मेसी डेटा आपको मिलता है, उस डेटा के साथ काम कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है. क्योंकि देखो क्या होगा, एक डेटा मिल गया आपको, ठीक है, आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, डेटा आपको सबसे पहले मिल गया. अब इस डेटा में अगर आप इस गलत डेटा को कंसिडर करते हुए अपना एनालिसिस निकाल दोगे तो ऑब्वियसली बात है ये एनालिसिस भी गलत होगा, और जब एनालिसिस गलत होगा तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकर है, राइट, अगर मैं डिसीजन मेकर की बात करूं
तो जब तक एनालिसिस सही नहीं होगा तब तक एक डिसीजन मेकर कैसे अपना डिसीजन ले पाएगा सही या गलत, राइट? इसीलिए डेटा एनालिस्ट के लिए आज की डेट में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीजें जो है दैट इज रिलेटेड टू द डेटा क्लीनिंग, दैट इज रिलेटेड टू डेटा रैंगलिंग. दिस टू थिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां पे आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर जितने भी प्रोफेशनल से आज की डेट में हम लोग बात करें, आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं वी आर लिंक्डइन, या फिर आपके कोई रिलेटिव्स, आपके सीनियर्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स, एनी वन हु इज करेंटली वर्किंग एंड सर्विंग इन द डेटा एनालिस्ट, हु इज करेंटली सर्विंग इन द इंडस्ट्री एज अ डेटा एनालिस्ट, उनसे भी अगर हम लोग जाके बातचीत करें, दे विल ऑल्सो इन्फॉर्म यू दैट 80% टाइम इज बेसिकली डेडिकेटेड फॉर द डेटा क्लीनिंग थिंग्स. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इसलिए पांडास, मैटप्लॉटलिब, लाइक मैटप्लॉटलिब तो विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, बट पांडास, नमपाई, दिस लाइब्रेरी प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लीनिंग ऑफ द डेटा. अब 80% टाइम आप अपने पूरे टाइम का, अपने पूरे कामकाज के घंटों का, अपने पूरे वर्किंग आवर्स का 80% टाइम आप समझ सकते हैं कि डेटा को क्लीन करने के लिए चाहिए, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको समझना. उसके बाद आता है एनालिसिस वाला पार्ट, जहां पे आप अपना 20% टाइम देके, क्योंकि अगर सही आपने डेटा को क्लीन कर लिया, आपने नल वैल्यूज हटा दिए, आपने मिसिंग वैल्यूज हटा दिए, सही रीडेबल फॉर्मेट में आपने डेटा को ले आए, तो केवल और केवल थोड़ा टाइम ही लगता है उस डेटा से हमें एनालिसिस निकालने में, विजुअलाइजेशन बनाने में, राइट? तो ये प्रोजेक्ट लेट से आप लोग देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है यही चीज अगर मैं आपको जुपिटर नोटबुक पे दिखाऊं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई मूवी, मान लो अवतार ही देख लेते हैं, ठीक है? तो मैं अवतार को रिकमेंड कर रही हूँ और ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है. अवतार से मिलती जुलती जो रिकमेंडेशन काम कर रहा है वो मूवीज है एलियंस वर्सेस प्रेडेटर, एलियंस, फाल्कन राइजिंग, इंडिपेंडेंस डे एंड द टाइटन एई. सारे मूवीज जो है वो एलियंस से मिलते जुलते जॉनर्स के. अवतार भी वैसे ही थी. तो यही चीज, और यही चीज मैं अगर जाके आपको यहाँ पे जुपिटर नोटबुक पे जाके दिखाऊं, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जुपिटर नोटबुक पे भी देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला, हियर आई कैन शो यू अवतार, ठीक है? तो एलियंस वर्सेस प्रीडेटर, एलियंस, फाल्कन राइजिंग, इंडिपेंडेंस डे, टाइटन ए, ये पांचों रिकमेंडेशन मुझे यहाँ पे भी तो दिखा रहे हैं ना. बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो मुझे रिकमेंडेशन की चीजें दिखा रही है, यहाँ पे मुझे कोई पोस्टर नहीं दिख रहा, केवल और केवल मूवी का नाम लिख के आ गया है. तो क्या ये चीजें फैसिनेटिंग लगेगी? जब तक हम सही तरीके से एक डैशबोर्ड की तरह या एक वेबसाइट बना के या एक वेब ऐप बना के चीजों को नहीं दिखा देते, एंड दैट इज अ मेन चैलेंजिंग पार्ट एज अ डेटा एनालिस्ट. क्योंकि अगर यहां तक ही किसी को बनाना होता तो ये तो कोई भी बना सकता है, राइट? आप अगर एज अ डेटा एनालिस्ट इंडस्ट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं तो रिक्वायरमेंट इज दैट कि आप उसको कैसे और ज्यादा रिप्रेजेंटेबल, विजुअलाइजेशन कितना बेहतर आप लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज एट लास्ट डेटा इज ऑल रिलेटेड टू द विजुअलाइजेशन, कि कितना बेहतर आप विजुअलाइज कर रहे हो. क्योंकि जितना भी कोडिंग आपने की है, राइट, किसी भी आप इंसान के साथ बैठे, ऐसे इंसान के साथ, लेट सपोज आप कंपनी में मार्केटिंग वाले के साथ बैठे हैं, एचआर के साथ बैठे हैं, फिनेंस वाले के साथ बैठे हैं, उसको पाइथन की इतनी सारी कोडिंग नहीं आएगी उसको, बट ये वेबसाइट जो यहाँ पे दिख रही है, राइट, हियर वी कैन सी दिस वेबसाइट, ये किसी भी बच्चे को भी समझ में आ जाएगी कि डेटा मोर एंड मोर सिंप्लीफाइड. यही चीज अगर मैं 10-15 यहाँ पे हजारों लाइन का कोड लिख दूं, किसी को समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा. तो वो जो चार मेरी पांच मूवीज यहाँ पे रिकमेंड हो रही थी, हियर वी कैन सी, यहाँ पे हियर, राइट, अवतार से रिलेटेड पांच मूवी दिख तो यहाँ पे भी रहा था ना, लेकिन इस चीज को हमने क्या किया, इसको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए पाइचार्म लाइब्रेरी, स्ट्रीमलेट, पिकल, इन सारी चीजों का यूज किया और बहुत ही ज्यादा रिप्रेजेंटेबल बना दिया और इसको कन्वर्ट कर दिया एक पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को वेब ऐप में. और इसी को एक लेवल और आगे हम लोग लेके जा सकते हैं जब हम इसका कंप्लीट डिप्लॉयमेंट करेंगे. तो जो डिप्लॉयमेंट होगा दैट विल टेक टाइम, एंड फॉर दैट थिंग वी विल डू ऑल दिस थिंग्स इन आवर प्रीमियम बैचेस, प्रीमियम क्लासेस में हम लोग इसका, ये जो प्रोजेक्ट है इसको बनाने में टोटल 5 आवर्स से ज्यादा हमें टाइम लग जाता है. और आज के इस मास्टर क्लास में हमने प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन किया है, बट इन द प्रीमियम क्लासेस वी कैन डू द कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट और साथ में कंप्लीट डिप्लॉयमेंट पार्ट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू दैट. सो दैट इज ऑल अबाउट इट, कि कैसे प्रोजेक्ट्स को आपको करना है, किस तरीके से. और यही चीजें जो है जो मैंने आपको बताया एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट, कि केवल जुपिटर नोटबुक तक बनाना होता तो एवरीबडी कैन डू दैट, राइट? बट वॉट आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स यू आर हैविंग, दैट इज वॉट द रिक्रूटर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड राइट नाउ.
यही चीजें रिक्रूटर्स देखते हैं आज की डेट में, बिकॉज सामने वाले रिक्रूटर जो है वो उसे ऑलरेडी जरूरत है, उसको उसकी कंपनी में, जो एचआर आपका इंटरव्यू लेने आया है उसको उसकी कंपनी में ऑलरेडी एक डेटा एनालिस्ट की जरूरत है, इसलिए तो वो जॉब लेकर आया है, राइट। लेकिन इंटरव्यू में जाने के बाद कुछ इस तरीके से होता है कि आपके स्किल्स और एक तरफ सैलरी, इन दोनों को एक इस तरीके से अज्यूम करिए कि एक तराजू की तरह है, आपका स्किल्स और सैलरी अगर दोनों के बीच में एक परफेक्ट मैच हो गया तो डेफिनेटली जॉब आपको मिलेगा। अगर सैलरी जो है वो यहाँ पे और स्किल्स नीचे हैं आपके, उससे बैलेंस नहीं होते, उससे मैच नहीं करते, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट जॉब, राइट। सो द थिंग इज दैट प्रिपेयर वेल फॉर इट, मेक सच अमेजिंग प्रोजेक्ट्स दैट विल अट्रैक्ट रिक्रूटर्स ऑल्सो, दैट यू आर हैविंग दैट स्किल सो दैट यू कैन सर्व इन द इंडस्ट्री इन अ वेरी वेरी प्रॉपर मैनर। So as I can see here, so many people have watched this session and it is very, very like, I'm glad to receive this responses, but let's just do one more thing कि जो भी projects हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया भी आपको कि एक ही चीज एक ही क्लास में everything like सब कुछ perform कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इससे related ये जो data set है Kaggle से लिया हुआ data set है, तो आपको अगर data set चाहिए या फिर आपको ये जो codes हैं राइट, जैसा जुपिटर नोटबुक पे है, तो चाहे आपको कोड चाहिए, डेटा सेट चाहिए या फिर नोट्स चाहिए, तो इन सारी तीनों चीजों के लिए आप यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 7880113112 और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर डायरेक्टली आपको केवल हमें व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप करके आप मांग सकते हैं। अगर आप सीरियसली इंथुजियास्टिक भी हैं, इंटरेस्टेड भी हैं और अपने करियर को लेकर सिंसेयर भी हैं और खुद से लर्न करना चाहते हैं, क्यूरियस हैं, तो आप डेफिनेटली इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप सोर्स कोड, डेटा सेट और नोट्स जो है वो डेफिनेटली यू कैन आस्क फॉर दिस थिंग्स। एंड लेट्स से इफ यू आर द वन जो कि अभी कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं, मुझे जॉब का क्यों नहीं आता, कहाँ पे हायरिंग है, राइट, तो इन सारी चीजों के लिए जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है हमारी, जिन्हें हम बैक टू बैक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कब मास्टर क्लास हो रही है, कौन सी कंपनी में हायरिंग चल रही है, कितनी पोस्ट है, कहाँ पे कितना अच्छा सीटीसी है, ये सारी चीजों से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है बैक टू बैक वी आर प्रोवाइडिंग टू आर स्टूडेंट कम्युनिटी। तो आप भी हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी या टेलीग्राम चैनल का पार्ट बन सकते हैं, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, ओके? तो आप वहां पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक के थ्रू ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे ग्रुप्स को, और साथ ही साथ कंप्लीट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि कंप्लीट जो डेटा एनालिस्ट के लिए, आज की क्लास में तो हमने प्रोजेक्ट का बस डिस्कशन किया है, अगर आप पावर बीआई, एसक्यूएल और बाकी चीजें जो है वो पढ़ना चाह रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स का, इंडस्ट्रीज Helping Hands, here you can see Industries Helping Hands का मोबाइल ऐप अवेलेबल है, जिसमें फ्री डेटा एनालिटिक्स कोर्स जो है वहां पे डला हुआ है। तो आप अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जो फ्रेशर्स हैं या फिर प्रोफेशनल हैं और अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आप लोग यहाँ पे Industries Helping Hands का मोबाइल लर्निंग ऐप अवेलेबल है, उस ऐप को जाके आप इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे फ्री डेटा एनालिस्ट का हमारा पूरा का पूरा आपको कोर्स जो है फ्री कोर्स वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा, सो दैट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू हेल्प द कम्युनिटी, ताकि आप लोग भी जॉब्स के रिगार्डिंग जो है वो बेहतर तरीके से खुद को सेल्फ प्रिपेयर कर पाए। बट इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट, एज आई कैन से यू हियर कि आपके लिए दिस नंबर, दिस कॉन्टैक्ट नंबर 7880113112 नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा, ये नंबर आपको यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक डला हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं रिलेटेड टू एनी ऑफ द क्वेरी रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ में बैक टू बैक हमारी कोशिश है कि हम आपको वर्कशॉप्स प्रोवाइड कर पाए हमारे कम्युनिटी को, तो ऐसे ही और अमेजिंग वर्कशॉप्स चाहिए जहाँ पे प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हो, तो आप नीचे एक और लिंक मिल जाएगा जो कि आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक होगा, राइट। सो उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिंक में भी आप जाकर डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले कहाँ पे जॉब्स की हायरिंग है, कब हमारी क्लासेस फ्री क्लासेस हो रही हैं,
कब हमारे प्रोजेक्ट की बिल्डिंग के फ्री वर्कशॉप्स हो रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपको पता चलते जाएगी इफ यू आर कनेक्टेड विद अस. सो दैट इज ऑल फॉर मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम प्रोजेक्ट. This project plays a very important role whenever you are looking for the placement, jobs, anything related to it, or the internships also. So make this project on your own. Try to make this project on your own. And thank you so much for patience for listening of this particular class. Looking forward to meet you all in another important class that will be related to project or that will be related to the conceptual class. So thank you so much, everyone. And thank you so much all for your patience for listening. That's all from my side. Looking forward to meet you in another class. Thank you.